गोल्डलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर और चीफ स्ट्रेटेजिस्ट गौतम शाह साहब हमारे साथ इस समय शो पर जुड़ रहे हैं। सर स्वागत है आपका। इनफैक्ट बग्गा साहब भी जो अभी थोड़ा रेट्स पर आउटलुक दे रहे थे और फिर बाजार के एक्शन पर बात कर रहे थे, आपसे भी नजरिया जानना चाहूंगा। कुछ की ट्रिगर्स उसमें से रेट कट एक है बाजार के लिए, किस तरह से बाजार भी अपनी पोजिशनिंग इस समय बना रहा है इसको लेकर? गुड मॉर्निंग। देखिए, डोमेस्टिक लिक्विडिटी इतनी स्ट्रांग है कि जो दूसरे जो सारे फैक्टर्स हैं, चाहे वो फेड रेट हो, चाहे वो करेंसी का मूवमेंट हो, क्रूड का मूवमेंट हो, ये सब फैक्टर्स उतने रेलेवेंट रहे नहीं, क्योंकि मार्केट जिस तरह की ट्रेंड में पिछले 6 महीनों से रही है, आई थिंक वी कंटिन्यू टू बी इन अ स्ट्रांग अप ट्रेंड। और जनवरी से अगर आप देखें, हम एक हेल्दी कंसोलिडेशन करेक्टिव फेज में रहे हैं, क्योंकि वी स्टार्टेड द ईयर एज 21,700, आज भी हम बात करें तो 21,800-21,900 पे है, तो कोई ज्यादा कोई मार्केट चला नहीं है। बीच में थोड़ी बहुत तेजी आई, फिर थोड़ी बहुत मंदी आई, बट एक हेल्दी कंसोलिडेशन में बाजार रहा है। और रोटेशनल करेक्शन काफी रही है, क्योंकि अगर आप इंटरनली देखें तो काफी स्टॉक्स में अच्छे करेक्शन आए हैं, और जो स्ट्रांग है वो स्ट्रांग रहे हैं। तो आई थिंक ये एक मेच्योर बुल मार्केट है, ये एक स्ट्रांग बुल मार्केट है। और ब्रेथ स्टडीज को अगर आप देखें तो मार्केट काफी रिलैक्स्ड है, मार्केट काफी फिट है, मार्केट काफी स्टेडी है, और मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर कोई बड़ा डाउनसाइड रहेगा। सो 21,850-21,500 एक अच्छे सपोर्ट्स है। ऊपर में अगर 22,200 निकल जाता है तो हो सकता है कि 300-400 पॉइंट की और तेजी आ जाए। पर जैसे मैं काफी टाइम से कह रहा हूं, ये इंडेक्स के बारे में नहीं है, ये स्टॉक्स के बारे में है। अगर आप अच्छे स्टॉक्स, अच्छे सेक्टर्स, अच्छे थीम्स में हैं, तो आई थिंक इस मार्केट में अभी भी अच्छा पैसा बन सकता है। तो हमारा तो फेवरेट्स आईटी, फार्मा, मेटल्स, सेलेक्ट बैंक्स, ये स्पेसेस में हमारा ध्यान है। और ये कंसोलिडेशन जब कंप्लीट होता है, होपफुली इन द नेक्स्ट 1 वीक, तो बाजार नए हाइस की तरफ जाना चाहिए। तो ये जो करंट एसेंशियली कल ही शुरू हुआ है, तो आई डोंट नो ये ट्रेंड में बोलूं या नहीं, बट जो कल 250 पर हाई बनाने के बाद थोड़ा बाजार में करेक्टिव मूड आया, ये शॉर्ट टर्म करेक्टिव ट्रेंड ही मारना चाहिए? और नियर टर्म के लिए आप इंपॉर्टेंट लेवल्स कहाँ देख रहे हैं बाजार के लिए, जहां पर सबकी नजर हो? देखिए, अगर आप पिछले 1 महीने की एक्शन देखें तो बाजार जब भी 22,000 के आसपास जा रहा है तो वहां थोड़ी बहुत सप्लाई आती है, तो हम नया हाईज मारते हैं, बट उसके बाद मोमेंटम इतनी स्ट्रांग है नहीं जो बाजार को और हाई लेवल्स पे चले जाए। और सारे जो मैक्सिमम पॉजिटिव्स है इंडिया के, टू सम एक्सटेंट इज ऑलरेडी इन द प्राइस, तो इसीलिए मार्केट को एज अ होल कोई ट्रिगर है नहीं को यहां से वो भाग जाए। तो जैसे मैंने कहा, एक हेल्दी कंसोलिडेशन फेज है। नीचे में बेस तो 21,500 है और इमीडिएट सपोर्ट 21,850 है, और मुझे लग रहा है कि ये सपोर्ट लेवल्स होल्ड करने चाहिए। और ऊपर की तरफ जैसे मैंने कहा, 22,200 एक बार निकलता है तो 300-500 पॉइंट की तेजी आ सकती है बाय द एंड ऑफ मार्च। और क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स इतने स्ट्रांग है, कल आपने यूएस मार्केट का एक्शन देखा, अगर आप यूरोपियन मार्केट को देखें वो लाइफ टाइम हाईस पे चल रहे हैं, कुछ एशियन मार्केट्स में अच्छी रिबाउंड है, तो ग्लोबली आई थिंक एक अच्छी एनवायरनमेंट है इक्विटीज के लिए। बीच बीच में ये जो ओवरबॉट स्टेटस कई स्टॉक्स में हो जाता है उसके कारण करेक्शन होती है, बट ये पूरे अप ट्रेंड को डिरेल नहीं कर पाएगी। तो ये अप ट्रेंड को डिरेल नहीं कर पाएगी, थोड़ा बीच बीच में करेक्टिव मूव्स आती रहेंगी, जैसे कल आई, आज थोड़ी ज्यादा शार्प करेक्टिव मूव आ रही है कल के मुकाबले, आज थोड़ा कट डीप है। बैंक्स पर भी आपकी राय लेना चाहूंगा, क्योंकि इससे पहले 6 दिन में करीब 2,500 पॉइंट्स की बैंक्स में अच्छी खासी रैली हुई थी, बैंक्स पर क्या व्यू है? क्या लीडरशिप अभी भी बैंक्स ही रह सकती है जो नियर टर्म लीडरशिप आई है? वैसे तो ओवर अ पीरियड टाइम उतनी नहीं रही है, अप्रोच क्या है और पोजिशनिंग क्या होनी चाहिए सर बैंक्स में? देखिए, लीडरशिप के बारे में बात करें तो मुझे अभी भी रिलायंस और आईटी सेक्टर अच्छा लगता है, और आईटी में मेरे हिसाब से 39,400 का जो लेवल है, जो लाइफ टाइम हाई लेवल है, एक बार वो निकलता है तो और बड़ी तेजी आएगी। तो इस लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखें तो रिलायंस और आईटी इंडेक्स हमें बेस्ट लगता है। बट बैंक्स में भी अच्छी मूवमेंट आई है, एचडीएफसी बैंक अपने सपोर्ट लेवल से घुमा है, आईसीआईसीआई बैंक अपने सपोर्ट लेवल से घुमा है, और बैंक निफ्टी में 46,500 के आसपास अच्छा सपोर्ट है। और अगर ये सपोर्ट एरिया होल्ड करता है तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी धीरे धीरे 48,000-48,500 तक जा सकता है। बट विद इन द बैंक्स आई थिंक हमने पिछले 6-8 महीनों से मेंटेन किया है कि जो टॉप पीएसयू बैंक्स है वहां बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एसबीआई हमारा टॉप पिक रहा है ऑल अलॉन्ग, और मुझे लग रहा है यहां से भी वहां पर तेजी आएगी और वो इवेंचुअली 4 फिगर्स की तरफ चला जाएगा। और इसके साथ साथ बीओबी और कैनरा बैंक की भी सेटअप काफी अच्छी है। प्राइवेट बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक हमें ज्यादा सेफ लगता है। काफी लोग एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करते हैं, बट मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक एक 6 महीने के कंसोलिडेशन से निकल रहा है, तो वहां पर तेजी और अच्छी होनी चाहिए। और एचडीएफसी बैंक सर, इसमें क्या होगा? देखिए, एचडीएफसी बैंक
आई थिंक कुछ इतना ओवर एनालाइज हो गया है कि इसका चार्ट्स अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म सपोर्ट 1380 से 1400 के आसपास है और मुझे लग रहा नहीं है कि वो नीचे टूटेगा, और एट द सेम टाइम ऊपर में 1550 के आसपास बड़ी रेसिस्टेंस है। तो आप सोचिए एचडीएफसी बैंक एक पेंडुलम की तरह ऊपर नीचे एक रेंज में चलेगा, ज्यादा गिरेगा भी नहीं ज्यादा चलेगा भी नहीं, तो इसीलिए बड़ी अपॉर्चुनिटी दूसरे बैंकों में है, ज्यादा फोकस एचडीएफसी बैंक पे मत कीजिए। चलिए एचडीएफसी बैंक पर रखेंगे नजर, बट उससे ज्यादा आईसीआईसीआई बैंक के एक्शन पर आपको रखनी है नजर। रिलायंस की भी आपने बात करी, आईटी भी आप कह रहे हैं सर लीडरशिप बरकरार है, वैसे 2 साल की ऊंचाई पर है आईटी इंडेक्स, मूव कहां पर आएगी आईटी में, एक्शन कौन से स्टॉक्स में दिख सकता है? देखिए अगर आप ओवरऑल बेसिस पे देखें तो आईटी अंडर परफॉर्म किया है क्योंकि इट माइट बी क्लोज टू लाइफ टाइम हाईज, बट इन कंपैरिजन टू अदर सेक्टर्स, आप कैपिटल गुड्स, ऑटो, रियल एस्टेट, दूसरे कोई भी सेक्टर्स को देख लीजिए, वो तो अपने लाइफ टाइम हाईज पे चले रहे हैं और चलते रहे हैं पिछले 3-4 महीनों में। आईटी इंडेक्स तो अब अपने लाइफ टाइम हाईज के पास आया है और एक बार 39,400 निकलता है तो मुझे लग रहा है कि 41,400 to 41,500 के लेवल्स तक जा सकता है। सेटअप अभी भी अच्छी है, टीसीएस हमें लगता है कि इज आवर बेस्ट पिक अमॉन्ग द लार्ज कैप्स, फॉलोड बाय विप्रो जहां पर मुझे लगता है कि 80 से 100 रुपए की तेजी यहां से भी आनी चाहिए, और मिड कैप आईटी में हमें एम्फेसिस, एलटीटीएस, मैस्टेक अच्छा लगता है। तो ये सारे स्टॉक्स मेरे हिसाब से बाजार कुछ भी हो जाए स्टेडी रहेंगे और हर डिप पे खरीदारी करनी चाहिए। ओके, तो बाजार स्टेडी रहेंगे, हर डिप पर खरीदारी करिए, कोई परेशानी यहां पर नहीं है। सर मिड और स्मॉल कैप्स में थोड़ा रोटेशन आ सकता है या फिर जो फेवरेट्स हैं बाजार के वो बने रहेंगे, क्या भी हुआ यहां पर सर? रोटेशन तो हो रहा है, देखिए अगर आप ब्रेथ स्टैटिस्टिक्स देखें, द परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स इन द एनएसई 500 विच आर अबव द 50-डे मूविंग एवरेज, तो ये नंबर 61% पे है, तो आपको ये बता रहा है कि मार्केट में अच्छी इंटरनल करेक्शन पिछले 6-8 हफ्तों में हुई है। हर कोई स्टॉक नहीं चल रहा, वो जमाना गया नवंबर दिसंबर का जहां पर हर कोई तरह का स्टॉक चल रहा था, अभी सेलेक्टिव स्टॉक्स चल रहे हैं। यहाँ पर हमें ऑटो एंसिलरी अच्छा लगता है, पावर अच्छा लगता है, सेलेक्ट इंफ्रा स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, यहां पर आई थिंक अभी भी कमिटमेंट बना सकते हैं। और मेटल्स में सर कुछ प्रेफरेंसेस हैं इस समय, वापस थोड़ा रिवाइवल दिखा है लास्ट 2-3 दिनों में मेटल्स में? मेटल्स मेरे हिसाब से इस साल की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, हमारा ये व्यू पिछले 2-2.5 महीने का है। इसमें नैल्को और सेल हमारे टॉप पिक्स है और मुझे लग रहा है कि मेटल्स इंडेक्स यहां से अगर आप देखें तो धीरे धीरे 9500 के लेवल्स तक जा सकता है, तो मुझे 20% की तेजी ओवरऑल इंडेक्स पे दिखती है। और अगर आप बड़े स्टॉक्स की भी बात करें तो जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील्स के, जेएसपीएल के चार्ट्स काफी अच्छे हैं, बट हमने अपने सब्सक्राइबर्स को नालको और सेल रेकमेंड किया और मुझे लग रहा है कि ये दोनों स्टॉक इस साल चलते ही रहेंगे। 20% की तेजी मेटल इंडेक्स में यहां से दिख रही है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, नालको सेल पे टॉपिक्स हैं, बट लार्ज कैप्स में भी मूव आ सकता है, तो मेटल्स एज अ थीम इस पर रखने की जरूरत है, और 2-3 दिनों से थोड़ा एक्शन मेटल्स में भी आया है। सर क्योंकि इलेक्शन का टाइम आ रहा है, कंजम्पशन में कुछ ट्रेंड्स दिख रहे हैं एफएमसीजी या फिर डिस्क्रेशनरी स्टॉक्स, यहां पर थोड़ी मूव आ सकती है, प्री इलेक्शन थोड़ा एक्शन इस पर दिख सकता है? मुझे लगता नहीं है क्योंकि अभी क्या वैल्यू ही चल रहा है, अभी ग्रोथ और वैल्यू का जो इतना बड़ा डिबेट चल रहा है उसमें अगर आप देखें तो ग्रोथ स्टॉक्स अभी भी कुछ नहीं कर रहे, और मुझे लगता नहीं है कि ये थीम इतनी जल्दी से वापस आएगा। और वैसे भी इलेक्शंस तो देखिए इन सम सेंस हैज बिकम अ नॉन इवेंट, तो आई डोंट थिंक मार्केट उसके कारण काफी ज्यादा डिस्काउंट कर पाएगा। एफएमसीजी में ज्यादा कोई मूवमेंट है नहीं, अगर एफएमसीजी में कुछ लेना है तो आईटीसी में अच्छी करेक्शन आई है और इस कंसोलिडेशन के बाद और अच्छी मूव आनी चाहिए, तो अगर आपका 1 से 1.5 साल का व्यू है तो आईटीसी इस लेवल्स पे काफी अच्छा लगता है, अच्छी तेजी यहां से आनी चाहिए और खोने के लिए एकदम कुछ नहीं। सर तो चलिए थोड़ा कंजम्पशन में स्टॉक स्पेसिफिक रही, आईटीसी बेटर है, बट मेटल्स एज अ थीम अच्छा कर सकता है, आईसीआईसीआई बैंक, पीएसयू बैंक, एसबीआई, ये सर को पसंद आ रहा है, कुछ और भी थीम्स है बाजार की वहां पर रखने रहे, चुनिंदा आईटी स्टॉक्स पर भी मूव आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम सर जुड़ने के लिए और बाजार पर अपना नजरिया शेयर करने के लिए, तो बड़ा टेकअवे